राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैलेंटाइन डे की जो ये ड्रेस बनाई थी इसके साथ की मैचिंग कैप बनाना सिखा रही हूँ। कैप के लिए हमने वाइट कलर की और वूल ली है। सबसे पहले हम वाइट कलर की वूल लेके चेन स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये ड्रेस आप जिस नंबर की बना रहे हो कैप भी उसी साइज़ की बनेगी। तो मैंने ये ड्रेस 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, तो उसके लिए ही मैं कैप बनाऊंगी। कैप बनाने के लिए सबसे पहले 4 चेन लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, स्लिप स्टिच ले ली। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। ये जो होल बना है, ये वाला नहीं, ये जो बीच में होल बना है, यहाँ पे ये जो स्मॉल सा होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें जाना है, डबल क्रोशिया लेना है। इस थ्रेड को आप खींच दें तो ये जो हमें होल दिखेगा इसमें हमने वर्क करना है। हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया लेने हैं। एक जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी उसका काउंट करना है, 11 डबल क्रोशिया और ले लेने हैं। 4 5 टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। उसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी उसकी थर्ड चेन में जाके हमें जो है स्लिप स्टिच लेनी है। ये हमने स्लिप स्टिच ले ली। उसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर एक क्रोशिया लिया वूल। उसके बाद हमने हर एक स्टिच में 12 स्टिचेस है टोटल, तो एक एक डबल क्रोशिया लेना है। 3 4 5 12 होने के बाद यहाँ पे हमने फिर से सेकंड राउंड को भी स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए हमारी कैप की जो शेप है वो बन गई है। अब हमें कैप के लिए जितनी हाइट चाहिए, जितना हमारा लड्डू गोपाल जी का सिर है उस हिसाब से हाइट चाहिए। और मुझे जो है हाइट थोड़ी सी और चाहिए, तो इसके लिए मैं डबल क्रोशिया लेने की बजाय हाफ डबल क्रोशिया लूँगी। डबल क्रोशिया से ज़्यादा लंबी कैप हो जाएगी 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए, तो मैं हाफ डबल क्रोशिया लूँगी। हाफ डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, तीनों वूल को एक साथ निकाल देते हैं। डबल क्रोशिया में हम दो दो करके निकालते हैं, हाफ डबल में एक बार ही निकाल देते हैं। तो इस बार भी हमने क्या करना है, हर एक स्टिच में एक एक बार लेना है, पर डबल क्रोशिया की बजाय मैं यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया ले रही हूँ। अगर आप 4-5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो आप डबल क्रोशिया लीजिए, पर क्योंकि मैं 2-3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं हर एक स्टिच में जो है हाफ डबल क्रोशिया ले रही हूँ। सभी स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ पे राउंड मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। फिर एक चेन ली और वूल को जो है हमने कट कर देना है चेन लेके। ये हमने वूल को कट कर दिया। ये हमारी कैप कुछ इस तरह की बन के रेडी हो गई है, कुछ इस तरह की। अब हमने क्या करना है, ड्रेस के साथ, ड्रेस पे जो हमने फ्लावर लगाए थे वैसा ही एक फ्लावर मैंने कैप के लिए भी बनाया है, तो उसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये कुछ इस तरह की कैप हमारे पास बन के रेडी हो गई है। ये फ्लावर मैंने अटैच कर लिया है, जैसे मैंने आपको ड्रेस में अटैच करना बताया था पीछे की तरफ थ्रेड ले जाके, वैसे ही मैंने अटैच किया है। यहाँ पे नोट टाई अप की है, तो ये हमारी कैप कुछ इस तरह की रेडी हो गई है बन के। तो आप ये ड्रेस और कैप ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू। राधे राधे।